हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आपके साथ हॉट ग्लू गन का रिव्यू शेयर करेंगे। मैंने कुछ दिन पहले इसे फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। यह मुझे 629 रुपीज़ का पड़ा। यह ग्लू गन काफ़ी ही यूज़फुल है। आप इसके मदद से मेटल, वुड, कार्डबोर्ड, पेपर, क्लॉथ, प्लास्टिक्स इत्यादि को आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने स्विच ऑन कर रखा है। स्विच ऑन करने पे इंडिकेटर लाइट चलता है। यह जो ग्लू गन है, इसमें दो ऑप्शन हैं। पावर ऑपरेटिंग जो है इसमें दो है, एक है 60 वाट पर और दूसरा है 100 वाट पे। अगर आपको जल्दी हिट करना है तो आप 100 वाट स्विच ऑन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समय लग रहा है किसी मतलब काम करने में, तो आप 60 वाट पे जा सकते हैं। 100 वाट ऑप्शन स्विच करने पे यह मात्र 2 मिनट में गर्म हो जाता है और 60 वाट पे 3 मिनट का समय लेता है। इस ग्लू गन के साथ मुझे 20 ग्लू स्टिक फ्री मिले हैं। आप देख सकते हैं, ये ग्लू स्टिक जो हैं वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हैं। इसकी डायमीटर जो है 11 mm है। अगर यह ग्लू स्टिक ख़त्म हो जाता है तो मैं आसानी से फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे अवेलेबल होते हैं ग्लू स्टिक। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि ग्लू स्टिक मल्टी कलर में भी आते हैं। आपको अगर पिंक चाहिए तो पिंक भी मिल जाएगा। जनरली जब हम हॉट ग्लू गन परचेज करते हैं तो उसके साथ यही ट्रांसपेरेंट ग्लू स्टिक ही मिलता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लू गन है वो काफ़ी अच्छा है। इसके बॉडी जो है वो प्लास्टिक के हैं और काफ़ी मजबूत अच्छे प्लास्टिक की क्वालिटी है। इसका अग्रभाग यानी नोजल जो है वो कॉपर का बना हुआ है। कॉपर के होने के कारण यह आसानी से और जल्दी गर्म हो जाता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा स्क्रैच करके कि यह वाकई कॉपर का ही बना है, न कि पॉलिश है। अगर आप भी सेम यही ग्लू गन परचेज करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप देख सकते हैं, मैं दो मेटल को मैं आपस में पेस्ट कर रहा हूँ। वुड्स को मैंने पेस्ट कर रखा है और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका बॉन्ड जो है वो कितना स्ट्रांग है। आप आसानी से अपने ऑफिस और स्कूल, इवन घर में जो भी मतलब प्लास्टिक के जो चीज़ें होते हैं टूट जाते हैं, तो उसको पेस्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट पर आप काम कर सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी स्ट्रांग है। मैं इसका उपयोग जनरली छोटे छोटे पॉट्स को अटैच करने में करता हूँ। देखिए, मैं आपको स्क्रैच करके मैं दिखा रहा हूँ। स्क्रैच करने पर भी ये अंदर से सेम कलर है। इट मीन्स यह कॉपर का ही बना हुआ है। इससे आप कई तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। अब देखिए, मैं इस पेपर पे अपने चैनल का नाम लिखूंगा, द ग्रीन गार्डन। आप अगर किसी तरह के डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से बना सकते हैं। यह काफ़ी स्टर्डी होता है। एक बार लेने पर ये कई सालों तक चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।